मैं सोनल आपकी दोस्त आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। गाइस आज से मैं एक इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है HTML। क्यों है ना इंटरेस्टिंग? गाइस अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट हो तो आप कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोडिंग सीख रहे होंगे, राइट? जैसे कि C, C++, जावा। और अगर आप वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स HTML सीखना चाहते हो या फिर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हो तो गाइस आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल we will going to see what is HTML. HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसे वेब डॉक्यूमेंट मीन्स वेब पेज बनाने के लिए विकसित किया गया है। इसका विकास 90 के दशक में हुआ था। यह एक वेब पेज का आधार होती है और वेब पेज एक वेबसाइट का आधार होते हैं। HTML वेब डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए टैग्स का इस्तेमाल करती है। सो गाइस Now we will going to see the full form of HTML. HTML एक hypertext markup language है जिसको web documents create करने के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी full form के बारे में जानेंगे। Hypertext. Hypertext एक text होता है जो other text के link को include करके रखता है। ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होता है जो कि अदर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स से लिंक्ड रहता है और क्लिकेबल होता है। हाइपरटेक्स्ट एक टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन ही है। मार्कअप HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए HTML टैग का यूज किया जाता है। मान लीजिए मैं कोई टाइटल डालना चाहती हूँ अपने वेब पेज में, जैसे कि ब्लूम ट्यूटोरियल, तो अभी आपको स्ट्रेट शो हो रहा है, राइट? अब मैं इसको इटैलिक कर देती हूँ, मतलब कि तिरछा कर देती हूँ। इस पूरे प्रोसेस को ही मार्कअप कहते हैं। सो यू कैन सी हियर, ये तिरछा हो चुका है। लैंग्वेज HTML एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसमें वेब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट के लिए कोड लैंग्वेज का यूज किया जाता है जिसको हम टैग्स कहते हैं। HTML का एक सिंटैक्स होता है। टैग आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस हियर यू विल सी एलिमेंट, ओपन टैग, हेडिंग, दैट मीन्स टेक्स्ट भी हो सकता है, मीन्स पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, एनीथिंग, ओके? और क्लोज टैग।
So now let's see the features of HTML. ये easy और simple language है जिसको easily सीखा जा सकता है. ये platform independent language है, मतलब कि इसको आप किसी भी operating system पे open कर सकते हैं या run कर सकते हैं. ये web pages में videos, audio, image, etc. ऐड करके वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाता है. इसमें ऑलरेडी काफी सारे टैग दिए गए हैं. Now, here is the structure of HTML. So guys, let's see here. First of all, ऊपर doc type HTML करके कुछ लिखा है, right? ये एक declaration है, okay? ये सिर्फ एक ही बार programming language में use होता है. After that, next is HTML. तो इसे कैसे लिखा जाता है? ओपन एंगुलर ब्रैकेट HTML, क्लोज एंगुलर ब्रैकेट. HTML के नीचे होता है हेड. सो ओपन एंगुलर ब्रैकेट हेड, क्लोज एंगुलर ब्रैकेट. गाइस, हेड के अंदर टाइटल टैग रहता है. सो हियर आल्सो सेम, ओपन एंगुलर ब्रैकेट टाइटल, क्लोज एंगुलर ब्रैकेट. और टाइटल में आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो. ये टाइटल आपके वेब पेज का टाइटल होता है. आफ्टर दैट, टाइटल क्लोज कैसे किया जाता है? ओपन एंगुलर ब्रैकेट स्लैश टाइटल क्लोज एंगुलर ब्रैकेट. टाइटल क्लोज होने के बाद सेम उसी प्रकार हेड को भी क्लोज किया जाता है. ओपन एंगुलर ब्रैकेट स्लैश हेड क्लोज एंगुलर ब्रैकेट. आफ्टर दैट बॉडी, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ अवर HTML कोड. गाइज, आप कुछ भी कंटेंट इस बॉडी के अंदर लिख सकते हो. जैसे कि आप हेडिंग दे सकते हो, उसके लिए H हेडिंग टैग होता है. आफ्टर दैट आप उसमें कितने भी पैराग्राफ्स ऐड कर सकते हो, उसके लिए पी टैग होता है. और ऐसे कई टैग्स होते हैं. विद द हेल्प ऑफ सच टैग्स यू विल क्रिएट एन अमेजिंग वेबसाइट. ओके, सो आफ्टर दैट बॉडी क्लोज ओपन एंगुलर ब्रैकेट स्लैश बॉडी क्लोज एंगुलर ब्रैकेट. एंड आफ्टर दैट एंड एट द एंड ऑफ दिस लास्ट में फुटर मीन्स HTML क्लोज. तो कैसे? सेम ओपन एंगुलर ब्रैकेट स्लैश क्लोज एंगुलर ब्रैकेट, उसके अंदर रहता है HTML. मतलब कि आपका इतना ही स्ट्रक्चर रहता है HTML का. इसमें आप कुछ भी कोडिंग कर सकते हो. सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही. गाइस, आपने अभी तक YouTube पे कई वीडियोस में देखा होगा कि कैसे HTML के कोड को सिंपली नोटपैड इस टेक्स्ट एडिटर में टाइप और सेव करके किसी भी ब्राउजर में ओपन किया जाता है. बट गाइस, इस ट्यूटोरियल के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप अपने HTML के कोड को लोकल होस्ट पे ओपन कर सकते हैं. और हाँ, ये एक बहुत ही अमेजिंग टेक्स्ट एडिटर के बारे में आपको बताने वाली हूँ. सो गाइस, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो
या ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज आने वाले मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।